ओके तो 2 मिनट रुकना, चार हैं आपके हाथ में, मैं पकड़ लूँगा पकड़ लूँगा। ओके रेडी रेडी सो फर्स्टली शार्दुल आप जानना चाहेंगे कितनी अनफिल्टर्ड बातें होगी लोगों के साथ और किस किस की पोल आपने खोल दी है? अनसेंसर्ड अनसेंसर्ड बातें बहुत हुई। पोल नहीं खोली, मैं न्यूज़ चैनल नहीं हूँ, ना ही मेरा नाम अर्णब गोस्वामी है कि मैं पर्दाफाश करना चाहता हूँ किसी का। नहीं, मैं किसी का पर्दा नहीं फाश करना चाहता। आई थिंक आवर इंडियन मीडिया डजंट रियली यू नो गिव द इम्पॉर्टेंस टू पॉडकास्ट दैट इट शुड बी गिवन। कि हम लोग ये रिश्ता क्या कहलाता, मैं नया ट्रैक में क्या आया, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देख रहे विदाउट रियलाइजिंग कि एक्चुअल आज की ऑडियंस रणवीर अलाहाबादिया, समधीश ये ऐसे पॉडकास्टर्स को देख रही है। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट पीपल टू टॉक अबाउट, बिकॉज अगर ऐसा होता तो टीवी शोज 3-3 महीने में बंद नहीं हो रहे होते। इट इज़ पॉडकास्टिंग इज़ द न्यू थिंग और आप सभी लोग वो देखते हैं। लाइक आप सभी जानते हैं कि एक ध्रुव राठी का वीडियो देश हिला देता है। इट इज़ द क्रिएटर्स दैट आर क्रिएटिंग द डिफरेंस। बिग बॉस में अब एक एल्विश को लाया जाता है, नॉट अ सास बहू की हीरोइन जिनको विनर जिताया जाता है। चैनल्स वाले समझ गए, मीडिया वाले अभी नहीं समझे, सॉरी टू से, बट पर्दाफाश नहीं है। इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, इट्स अ न्यू वे ऑफ एंटरटेनमेंट कि मुझे जो कहानियाँ कहनी है, मुझे जो बातें करनी है। मैं ये शो एक्चुअली एक चैनल के पास जाने वाला था, एक टीवी चैनल के पास, एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट। एक साल तक उन्होंने बोला हमको शो बनाना, हमको शो बनाना है। फिर उन्होंने हमको बोला कि काम करो, इसमें ना एक्सेस को बुला के झगड़वा दो। आई सेड ये क्या है, मेरा शो का फॉर्मेट अलग है, झगड़वा क्यों दूँ मैं? सो देन दे सेड कि अच्छा इसका बजट इतना कर दो उसका। आई सेड नो, आई एम गोना मेक दिस शो माई सेल्फ, बिकॉज आजकल द ब्यूटी ऑफ यू नो सोशल मीडिया इज दैट यू कैन मेक योर ओन कॉन्टेंट। अच्छा है बुरा है ऑडियंस डिसाइड करेगी, नो चैनल विल डिसाइड इट, यू नो, एंड दैट इज व्हाई मोर एंड मोर पीपल आर टर्निंग इनटू क्रिएटर्स। दैट्स इट। वेल अभी जिस तरह आपने यू नो बात किया कि मोर एंड मोर पीपल आर टर्निंग इनटू क्रिएटर्स, ये कैसे दिमाग पे आया यू नो पॉडकास्ट चालू करना है और अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा और बाहर लाना? जेन्युइनली ये मेरे आजू बाजू वाले दोस्तों और मेरी सिस्टर की वजह से आया है। ऑनेस्टली मैंने पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड विद शार्दुल 2021 में शुरू कर दिया था, वेयर रूबीना कुंद्रा एवरीबडी हैड कम। एट दैट टाइम सब लोग पॉडकास्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने जिस प्लेटफॉर्म के लिए किया था उनको भी ये बात उस समय समझ में नहीं आ रही थी कि ये इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है पॉडकास्टिंग। तो उन्होंने बोला बजट कट डाउन कर दो, मेरे स्टार्स को ये मत करो वो मत करो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, एक शो का एक फॉर्मेट होता है। अब अगर मैं कॉफ़ी विद करण को चाय की टपरी पे करना शुरू कर दूँ तो नहीं मज़ा आएगा ना, बिकॉज कटरीना कैफ को मैं अगर मतलब गाउन पहना के बैठा दूँ, नाइटी पहना के बैठूँ, नहीं मज़ा आएगा ना। यू नीड सर्टन बजट फॉर सर्टन थिंग्स। सो दैट इज़ वाई आई डिड नॉट डू इट एट दैट टाइम। एंड रिसेंटली माई सिस्टर सेड दैट वाई डोंट यू डू इट योर सेल्फ, क्यों किसी का वेट करना है? एंड ऑनेस्टली 10-15 दिन एक्चुअली मेरी दोस्त पीछे खड़ी भी, 10-15 दिन पहले ही आइडिया बना। आई स्टार्टेड कॉलिंग सम पीपल आई डिडंट इवन नो, मैंने इंस्टा डीएम्स किए क्योंकि नेहा धूपिया का जब पॉडकास्ट आया था उन्होंने भी मेरे साथ एक पॉडकास्ट किया। वैसे नेहा आई डिडंट यू डू द पॉडकास्ट विथ मी क्योंकि आपने कहा था कि रश्मिका मंदाना को आपने इंस्टाग्राम डीएम से मंगा लिया, तो मैंने भी आपको मंगाया था। बट एनीवेज, सो यू कैन लिटरली रीच पीपल आउट दीज डेज एंड दैट इज हाउ आई गॉट द गेस्ट्स। मेरे को सबके साथ अलग अलग तरह का मज़ा आया क्योंकि देखो जो मज़ा पवित्रा पुनिया दे सकती है वो विशाल आदित्य सिंह मुझे नहीं दे सकता। मैं गोदी में बैठा था पवित्रा की, तो उसके साथ अलग मज़ा आया। गीता कपूर ऑब्वियसली इज़ समबडी दैट यू नो जिनके साथ बहुत अलग वाला मज़ा आया। यू नो देन वी हैड संदीप सिकंद, राजीव मसन, जिनके साथ एक बहुत अलग कॉन्टेंट निकला। सो यू नो यू कैन एवर से दैट यू नो कि किसके साथ ज़्यादा मज़ा आया, सबके साथ अलग अलग मज़ा आता है, सब अलग अलग फ्लेवर्स हैं। आई जेन्युइनली वॉन्ट टू डू अ पॉडकास्ट विद यू गाइज, आई जेन्युइनली वॉन्ट टू डू अ पॉडकास्ट विद यू गाइज बिकॉज यू नो आप लोगों के पास इतनी कहानियाँ हैं। एक तो आप लोगों के पास एक ग्रुप भी है ना जिसपे राखी सावंत ने बनाया हुआ है, जो ग्रुप जिसपे वो आपको अपडेट्स देती हैं, तो आप सब लोग हैं ना। तो मुझे जेन्युइनली जानना है कि जितने भी लोगों को आप पैप करने जाते हैं उसमें से कितने लोगों ने एक्चुअल फ्लाइट पकड़ी है, वो मुझे एक जान मुझे जेन्युइनली जानना है। तो मुझे एक आपका चाहिए। तीसरा मुझे ये जानना है कि जब आप किसी जैसे जब मीडिया किसी से मिलता है तो जब सेलिब्रिटीज वो ओवर एक्टिंग करते हैं कि हाँ आपको किसने बताया, वो आपको बताते हैं, हम सबको पता है वो बताते हैं। आई वॉन्ट टू नो दोज नेम्स जो आपको पहले से बताते हैं। एग्जैक्टली exactly.
तो और दूसरा मुझे आप लोगों से पॉडकास्ट करके ये जानना है कि जब आप इंटरव्यूज लेके जाते हैं, कई बार आपके साथ मैंने बहुत इंटरव्यूज किए हैं, कई बार आप कुछ सवाल पूछते पूछते अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि आपको पसंद नहीं है वो सवाल, लेकिन आपको पूछना पड़ रहा है क्योंकि आपको क्लिकबेट चाहिए, आपके चैनल वालों ने बोला है। सो आई वांट टू नो कि वो चैनल वाले हेड्स पे कौन बैठा है कि क्यों यू नो क्यों ये जानना जरूरी है। ये सारे पॉडकास्ट मुझे करना है बिकॉज नोबडी इज डन दिस। आई वॉन्ट टू शो दैट स्टोरीज एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। Why don't you get papped? But I don't call them. See, why don't you pap her? Because she doesn't call you. Yeah. मैं तो एयरपोर्ट पे जाती हूँ ना। और ये तो एक्चुअल फ्लाइट भी लेती हैं। एक्चुअल फ्लाइट कौन नहीं लेता, वो भी आपको पता है। मैं तो जनरली मीडिया वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कई बार आप लोग नहीं थक जाते हो टू डू कॉन्टेंट दैट इज आपको भी समझ में आ रहा है कि मतलब ये क्या है? क्योंकि आप जो शूट करते हो वो हमको अनफॉर्चुनेटली देखना पड़ता है क्योंकि वही आता है फीड्स पे। मतलब जेन्युइनली हमें समझ में आता है कि कुछ लोग अच्छे व्यूज़ आपके लिए लाके देते हैं, बट देर आर मेनी पीपल विल गेट यू व्यूज़। यू नो मैं आपको आइडिया दूँ, आप ध्रुव राठी की रील डाल के देखो किसी दिन, पागल हो जाएगा आपका मीडिया। यू नो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे किसी को मेरा ब्रेकअप हो गया करने की ज़रूरत हो, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है किसी के ब्रेकअप में। जेन्युइनली नहीं है, नहीं सच में नहीं है, मुझे भी नहीं। एंड आई एम नॉट एंड दिस टाइम आई एम बीइंग अनसेंसर्ड, आई एम बीइंग अनफिल्टर्ड। किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, उन्होंने कौन सा मेरे बारे में सोचा जो मैं उनके बारे में सोचूं। थोड़ा नाटक बंद होना चाहिए ऑन सोशल मीडिया, लाइक रियली, बिकॉज वी कैन सी थ्रू इट। क्योंकि कुछ लोग हैं जो एक दिन मर रहे हैं, 5 मिनट बाद उनके वीडियोज आ रहे हैं। हाउ? हाँ एग्जैक्टली। नहीं, ये इंडस्ट्री और मीडिया दोनों की वजह से आ रहा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि यू नो एक समय था जब टेलीविजन स्टार्स नहीं कॉल करते थे किसी को और इंटरव्यू देने में नाटक भी करते थे। आप लोगों ने वो टाइम भी देखा है। और अब वो लोग पीआर हायर करके आप लोगों को कॉल करके आप लोगों के लिए नाश्ता मंगा के आप लोगों के लिए गाड़ियाँ दे के, लोगों ने गाड़ियाँ बांटी हैं पैप्स को कि वो उन्हें कवर करें। सो या आई नो द इन्फो। या एग्जैक्टली क्यों चाहिए? क्योंकि ये दोनों तरफ से हो रहा है। यू नो ऑनेस्टली मुझे, मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, कई इवेंट्स ऐसे हैं जिसपे आप लोगों ने मुझे कवर नहीं किया है, जब मुझे भी बुरा लगा है तो वो फिर नहीं। हाँ तो फिर क्या लगता है आपको कि यार मुझे भी करना पड़ेगा? लेकिन वो समझ आपको बाद में आती है। एंड वेन आई हैव रीच्ड अ प्लेस वेर आई एम ऑनेस्टली टॉकिंग टू सो मेनी पीपल, आई हैव रियलाइज व्हाट इज द रियल थिंग। यू नो आज मीडिया में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई पैप नहीं करता, जिनका कोई मीडिया इंटरव्यू चैनल भी मतलब कोई छापता भी नहीं है, बट दे आर द चेंज मेकर्स। आई होप एंड आई विश आई गो देयर बिकॉज दैट इज व्हाट द रियल पावर इज। बट यू नो व्हाट शार्दुल, आप इतनी चीजें बोल रहे हो बट हमारी भी तरफ से एक चीजें होती है, लाइक यू नो बिल्कुल समझता हूँ मैम, आपका साइड भी रह चुका हूँ। They make you cover. Yes. यही तो मुझे चाहिए। आप कब आएंगे मेरे पॉडकास्ट पे बताने के लिए? वो मुझे जानना है वो कौन से एक्टर्स हैं जो आपसे वो चीज़ें करवा रहे हैं जो आपको नहीं करनी है, जैसा कि आपने कहा। नहीं बट ऑनेस्टली यू नो देखो ये होगा, कॉन्टेंट इज एवरी थिंग इज कॉन्टेंट नाउ। यू नो जैसे अगर एक चिड़िया उड़ रही है वो भी फोटोग्राफी होता है, तो यू नो बैंड्रा पे बैठा हुआ आदमी हग रहा है के भी लोग फोटो खींच रहे हैं। कॉन्टेंट इज एवरी थिंग एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दैट इट्स अप टू अस that what we want to show and what we want not want to show. Also, so, to ask what we want to see and what we don't want to see. Correct. Yeah, don't see if you don't like it. Block. I've tried, but kitno ko block karu? Yeah. No, plus I've given them enough interesting bites also. Na, maine bhi to main kyun mauka chhodunga? Ready. Thank you so much, guys. Thank you so much. आप लोगों को तकलीफ हुई मेरे production वाले मुझे मानने के लिए, मैं बात बाय जाता हूँ। Yes. Sorry, मैंने आपको नहीं बोला।